Hi friends, how are you? I hope you all be better. तो आज हमने परचेस किया है सेलो का ये नॉवेल्टी लार्ज फाइबर कबर्ड, जिसकी कीमत है अमेजोन पे 5580 रुपीस। ये मुझे ऑफर में मिला है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट 6160 रुपीस थी, बट मैंने इसको SBI के क्रेडिट कार्ड से परचेस किया, सो मुझे ये ऑफर में 500 रुपये कम में मिला। तो चलो देखेंगे आज इसके साथ में आपको क्या क्या मिलेगा। इसके साथ में आपको मिलेगा टॉप पैनल, बॉटम पैनल, साइड पैनल 6, बैक पैनल 6, डोर पैनल 6, डोर कनेक्टर विथ हैंडल, डोर कनेक्टर विथ हैंडल लेफ्ट साइड और राइट साइड, साइड कनेक्टर लेफ्ट साइड और राइट साइड दो दो, बैक कनेक्टर दो और शेल्फ 4, जिसमें आपको मेटल सपोर्ट वाला मिलेगा। तो चलो आज इसको असेंबल करके देखेंगे। ओके देन लेट्स स्टार्ट टू असेंबल दिस। इसमें नॉच है, आपको ये देखना पड़ेगा कि सही नॉच सही जगह पे लगा दिया जाए, क्योंकि अगर ये गलत बैठा तो ये टूट भी सकता है। इसलिए ये आपको पीछे की साइड में लगेगा ये उल्टा है, लेकिन एक्चुअली ये फिटिंग में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। इसको थोड़ा सा दबा के बिठा दीजिए। इसके बाद में आपको बीच का कनेक्टर जोड़ना पड़ेगा। इसमें एक डोर का लॉक भी है जो आपको सामने बीच में सामने की तरफ लगाना पड़ेगा। ये सभी का आपको बिठाते वक्त एक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ठीक से और सही जगह पर बैठे, क्योंकि अगर उल्टा बैठा दिया तो ये लॉक टूटने की ज़्यादा संभावना होती है। हालांकि ये सेलो का मटेरियल है तो वैसे तो स्ट्रांग है, बट ज़्यादा इसके साथ स्ट्रेस भी नहीं करना। इसको आपको लॉक भी दिखाई देंगे, ये है इसके लॉक, बट इसको ज़्यादा भी प्रेस मत कीजिए क्योंकि ये फिटिंग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं।
अभी ये हमारे मैकेनिक की हाइट के जितना होगा, लगभग 4 साढ़े 4 फीट का हमारा ये छोटा मैकेनिक है, ये बिठा रहा है। इसकी इसकी असेंबलिंग करना वैसे तो सिंपल है। तो अब ये साइड का पैनल फिट हो गया। अभी इसमें आपको डोर फिट करने के, तो ये है इसके डोर। हर एक डोर पे लिखा होगा उसका अलग अलग से नाम। ये है लैपटॉप डोर पैनल। मिडल पैनल और ये इसका बॉटम पैनल। वैसे ये राइट पैनल है, इसमें भी है राइट राइट बॉटम डोर पैनल, मिडल पैनल और ये है टॉप पैनल उसका। तो अभी इसके ये डोर पैनल के साथ में भी ये दो इसके सॉकेट बाकी हैं, ये राइट पैनल के और ये है लेफ्ट पैनल के। साथ में बाकी है ये उसका टॉप पैनल। तो पहले आप पूरा ये इसका डोर का फ्रेम बना लीजिए, जिससे आपको बिठाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये जो दो लॉक है, ये हैंडल, इसमें दो दो ये जो अटैचमेंट के सॉकेट है, ये दोनों को खोलने के लिए ग्रिप है। तो ये दो दरवाजे के दो साइड में लगेगी। और ये जो है इसमें लॉक है, हर एक में लॉक है। तो आपको ये ठीक से लगाना पड़ेगा कि दरवाजे के लॉक के साइड में ये जो लॉक है, ये लॉक की जगह पे ये लॉक उसका फिट हो। तो ये जो प्लेन पट्टियाँ हैं दो, ये और ये दोनों सामने दो दरवाजों के सामने रहेंगे। और ये लेफ्ट डोर का और राइट डोर का, ये सामने का ऊपर के पैनल में रहेगा। उसके ऊपर ये लॉक की पट्टी आएगी। अभी ये राइट पैनल का टॉप टॉप डोर है। ओके, ये हो गया राइट साइड का। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड का बनाना पड़ेगा। इसको बिठाने के लिए यहाँ पे नॉचेस हैं, इसको आपको थोड़ा सा प्रेस करके, क्योंकि इसमें पे लॉक होते हैं। अभी ये राइट साइड का पैनल फिट हो गया है। आपको ये बिठाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये बॉटम साइड में एक नॉच होता है। सबसे पहले दरवाजा इसमें फिट कीजिए, क्योंकि इसको बिठाते वक्त हमसे ये गलती हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ी। बट नेवर माइंड, ये आपको फिर से खोलने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो अभी पहले ये नॉच में बैठा दीजिए, फिर उसके बाद में ये और ये तीसरा।
ओके, ये अभी इसका पूरा फ्रेम तैयार हो गया। अभी इसको आपको ऊपर का टॉप पैनल बिठाना है। अभी इसकी हाइट तो ज़्यादा है, 6 फुट से लगभग 3-4 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। तो बिठाने के लिए अभी हमारा पति जो है उसको बेड का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी ऊपर से उसको ठीक से बिठाना, ये लाइट वेट है एक्चुअली, इसको आप इधर उधर घुमाने के लिए कहीं भी घुमा सकते हो। अभी ये पूरा हो गया। इसको सेलो कर, शायद ये सेलो का ये इमेज, सेलो इमेज ये नाम से इसका ब्रांड भी है, ब्रांडिंग स्टिकर है। तो अभी ये इसका हो गया पूरा फ्रेम। अभी इसको इसके बीच में जो है, इसके बीच में की शेल्फ असेंबली है। ये सेलो की शेल्फ असेंबली, ये बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल है, क्योंकि मैंने जो देखे हैं 2-3 कंपनी के, उसमें शायद इतना स्ट्रांग मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में जो है ये मेटल का पट्टी मिलती है, जिससे ये बीच में ना दबे और ना ख़राब हो। एक्चुअली ये हमारे घर में लाने के लिए, इसके मेरे मिसेस की चॉइस थी। सो थैंक्स फॉर हर सेल्फ असेंबली के लिए। यहाँ पे इसको लॉक है, जहाँ पे चाहे इतने सारे बोल्ट्स हैं, जहाँ पे आपको जितनी हाइट देनी है उतने हाइट पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अभी चलिए ये लगा देते हैं।